मैं एजी 24 के बारे में कह रहा हूं, 2 साल देख रहे हैं कि जवानी के दहलीज पे आ गया, अपनी जिम्मेदारियों के संग हर एक दिल पे छा गया। अब बारी है बुजुर्ग होने की, अब बारी है बुजुर्ग होने की, पर उसका टाइम बहुत बाकी है। अब बारी है बुजुर्ग होने की, पर उसका टाइम बहुत बाकी है। और आज का जो है जमावट है, ये तो सिर्फ एक झाकी है। এবারে আমি মঞ্চে আহ্বান করছি ইএসসি সেন্ট্রাল কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রী সঞ্জীব রায় মহাশয়কে। সঞ্জীব রায় মহাশয়কে উত্তরীয় দিয়ে বরণ করবেন, সংবর্ধিত করবেন তমজিৎ ভট্টাচার্য মহাশয়। সঞ্জীব রায়কে উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধিত করছেন উত্তরীয় পরে সম্মান জানানো, এটা আমাদের একটা চাহিদা থাকে, কারণ স্বীকৃতি সবাই চায়। কিন্তু আজকের স্বীকৃতিটা হচ্ছে ভালোবাসার স্বীকৃতি। এনএ 24 টিম তথা সঞ্জীব ভট্টাচার্য এবং মালবিকা ভট্টাচার্যের সাথে যে সম্পর্ক আছে, যে আপনত্ব আছে, সেই আপনত্ব বই প্রকাশ পেয়েছে এখানে। আর দুটাই কথা বলবো, যে আমরা অনেক সময় বলেছি ফ্যামিলি বা পরিবার বা টিমের কথা, কিন্তু আজকের যুগে এক পরিবারকে একাকা রাখা কত কষ্টকর আমরা সবাই বুঝতেই পারি। আর যখন টিমের কথা বলি, যারা টিম তৈরি করে ওরাই বুঝতে পারে যে টিমটা কীভাবে তৈরি করা হয়। সাথে একটা বিশ্বস্ত টিম তৈরি করা খুব কঠিন ব্যাপার আজকের ডেটে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, NE24-এর যে কর্ণধার সঞ্জীব ভট্টাচার্য মহাশয় একটি টিম তৈরি করেছেন, একটি ভালো টিম তৈরি করেছেন, একটি বিশ্বস্ত টিম তৈরি করেছেন। যার কারণ হচ্ছে যে আমরা দেখেছি যে বাচ্চা যখন জন্মগ্রহণ করে 1-2-3 বছরও হাঁটুগাড়া দিয়ে চলে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, যে সংগঠনটি জন্ম নিয়েছে 2 বছর আগে NE24, 2 বছর আমরা হিন্দিতে বলি না রেংটে হয়ে চলনা, আজকে রেংটে হয়ে চলনা থেকে 2 বছরে বাচ্চা জওয়ান হয়ে গেল, 2 সালে বাচ্চা জওয়ান হয়ে গেল। তো 2 সালে যে বাচ্চা জওয়ান হয়ে গেল, উসকি বহুত সি শুভকামনা দিতে হুয়ে মানে চাহুঙ্গা দিন দুগনি রাত চৌগনি তরক্কি করে, উন্নতি করে। और जिस तरह समाज में एक मेलबंधन का आरंभ किया गया उनके द्वारा, जैसे हिंदी, बंगला, एसामीज, इंग्लिश, आप जब गूगल सर्च करेंगे इनके चैनल को, ये चारों भाषाओं में हम न्यूज़ बोलिए, विज्ञापन बोलिए, कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बोलिए, तो ये चारों भाषा के माध्यम से एक गूगल में एक छोटा सा हिंदुस्तान बन गया, गूगल में एक छोटा सा हिंदुस्तान बन गया NE24 के द्वारा। तो मैं चाहूँगा, मैं दायित्व से कहता हूँ कि मीडिया फेडरलिटी संवाद माध्यम मेरा परिवार था, मेरा परिवार है, और आने वाला दिन में भी मेरा परिवार रहेगा। हर एक कठिनाई में, हर एक सुख दुख में हम लोग मीडिया के साथ रहते हैं। जहाँ जूझना हो वहाँ जूझते हैं, जहाँ आनंद उठाना हो आनंद उठाते हैं, जहाँ दोस्ताना निभाना हो दोस्ताना निभाते हैं, और अगर उनके साथ रहकर लड़ना हो तो हम लड़ते हैं। आज 2 साल में एक बहुत बड़ा जंग लड़ चुका है NE24, लेकिन जंग का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। और आप आगे बढ़ते रहिए, आज जो लोग यहाँ पे हैं, ऐसे और दुगने चार गुना लोग आपके साथ आएंगे सिपाही के तौर पे। और मैं चाहूंगा हर एक चैनल, हर एक मीडिया फेडरलिटी के लोग आगे बढ़े, कि समाज को सुंदर बनाने में, समाज में सच्चाई बरकरार रखने में, समाज को आगे ले जाने में। और मैं खुद पॉलिटिक्स में हूं, डार्टी पॉलिटिक्स से समाज को बचाने में मीडिया का बहुत अहम रोल है, और अहम रोल कलम से भी होता है, कैमरा से भी होता है। तो आप लोग कलम और कैमरा दोनों बाखूबी निभा रहे हैं। मैं 2-4 लाइन आपके बारे में कह के अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। 2 साल रेंग रेंग के, 2 साल रेंग रेंग के जवानी के दहलीज पे आ गया, 2 साल रेंग रेंग के जवानी के दहलीज पे आ गया, अपनी जिम्मेदारियों के संग हर एक दिल पे छा गया। मैं NE24 के बारे में कह रहा हूं, 2 साल रेंग रेंग के जवानी के दहलीज पे आ गया,
अपनी जिम्मेदारियों के संग हर एक दिल पे छा गया। अब बारी है बुजुर्ग होने की, अब बारी है बुजुर्ग होने की, पर उसका टाइम बहुत बाकी है। अब बारी है बुजुर्ग होने की, पर उसका टाइम बहुत बाकी है। और आज का जो है जमावट है, ये तो सिर्फ एक झाकी है, ये तो सिर्फ एक झाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजीव भट्टाचार्य, मालविका भट्टाचार्य और पूरे टीम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आगे बढ़ते रहिए और हम लोग आपके साथ, आपके परिवार के हिसाब से, आपके टीम के नाते, आपके सैनिक के नाते हर एक समय आपके साथ है। कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। वादा करते हुए मैं अपने पार्टी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद संजीव राय महाशय के।